वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12, वेरी गुड मॉर्निंग वी लेफ्ट एट पेज 77, दिस पेज 77. I had told you see the third paragraph. Do you mind telling me why you have brought this? He held up a smallish semi-inflated rubber ring, such as a younger child with a waist of about 12 inches might have struggled him. You thinking of game, going for a swim, sir? McLeary's hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by the tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat sourly, "If ye must know, I suffer from hemorrhoids, and when I am sitting down for any length of time..." "Very, very sorry, sir. I didn't mean to, sir." The embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the case. ये सारा वाक्या जब गवर्नर के कहने पर मैक्लीरी ने उसकी सर्च करी, मैक्लीरी की सर्च करी जैक्सन जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है, पहले उसने कपड़ों की तहकीकात की उसकी, वहाँ उसे हार्ड कुछ लगा, तो वो था उसका स्पेक्टेकल्स का केस. उसके बाद ब्रीफ केस उसकी अब तहकीकात की जा रही है, उसमें काफ़ी सामान तो एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड निकला जो कि एग्ज़ामिनेशन रूम में चाहिए था. साथ में एक डाउटफुल चीज़ निकली कि एक सेमी इन्फ्लेटेड रबड़ रिंग निकला. वो रबड़ पतला सा रिंग था ट्यूब जा, और उसमें कोई ये कह लो कि 12 इंच कमर का बच्चा जैसे कह लो पतला सा उसके अंदर संघर्ष करके घुसा हुआ हो, इतना भरा हुआ था वो, ट्यूब सी लग रही थी. और उसने उसको कह दिया, क्या बात है भाई, तैरने के लिए आए हुए क्या, ट्यूब लेके आए तैरने के लिए आए हुए? मैक्लीरो का ये मजाक उसको पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, उसके बिहेवियर के मुताबिक नहीं था. ठीक है, ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, मैक्लीरेज हेदर टू एमिएबल डेमिनियर वाज स्लाइटली रफल्ड बाय दिस टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री. ये मजाक उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. एंड ही आंसर जैक्सन समवट सोली, और कड़वाहट में बोला जैक्सन, कड़वा सा जैसे बंदा होता है, खिसिया कर बोलता है जैसे, "If ye must know, I am suffering from hemorrhoid." वो तेरे को पता होना चाहिए मुझे खूनी बवासीर है, मुझे बवासीर है, और जब मुझे कहीं बैठना पड़ता है आधा पौने घंटे के लिए तो मैं इसके ऊपर बैठता हूँ. वेरी वेरी सॉरी भाई, श्रीमान बहुत माफ़ी, मुझे मालूम नहीं था. लेकिन ये जो एम्बेरसमेंट थी, अभी भी जैक्सन के चीक्स जो थे बहुत लाल हो रहे थे, लाली उनके ऊपर ये बता रही थी कि वो ठंडा नहीं हुआ. तभी ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ केस, तभी उसको एक नाइफ मिल गया, प्लास्टिक वाला जो कटर होता है पेपर नाइफ, और कहने लगा, "आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दाउ इफ यू डोंट माइंड दैट इज सर." श्रीमान बुरा ना माने,
ये आप रख नहीं सकते, इसको मैं बाहर निकाल कर रख रहा हूँ। इट वॉज 9:18 AM बिफोर गवर्नर हर्ड दियर वॉइसेज अगेन। गवर्नर ने 9:18 पर दोबारा उनकी आवाज़ें रिकॉर्डर में सुनी। एंड इट वॉज क्लियर दैट एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर दैन आर लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे। और इस बातचीत से पता चल रहा है कि अभी तैयारी पूरी हुई नहीं है, इम्तिहान थोड़ा सा लेट ही होगा आज। ठीक है, इन बातों से ये पता चला कि टाइम पर नहीं शुरू होना, क्योंकि 9:18 हो गए और अभी भी बातचीत चीतें चल रही। क्या बातचीत चल रही है जरा सुनो ध्यान से। मैं क्लियर या गॉट अ वॉच यस मैं क्लियर I'll be telling you when to start and again when you find me live, all right? Silence. Next video. There's plenty more, all this writing paper should you need it. Then silence. Now write the name of the paper 0211 in the top left hand corner. फिर थोड़ी आवाज बन। In the top right hand corner, write your index number 313 and in the box just below that write your center number 271, all right? इसकी भाषा बताइए, ऑफ ऑफ नहीं बोलता, एल नहीं बोलता, इसलिए यहाँ साइलेंट है। ये का मतलब होता है यू। उसने कहा वॉच है भाई, उसने कहा है भाई, जो टाइम देखे हाँ अभी तो लगता नहीं। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा लगता है कि 5-7 मिनट लगेंगे। अब उसको थोड़ा सा बता रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो बता रहा है अपना पेपर का कोड 021 ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिख और टॉप राइट हैंड कॉर्नर में वो लिखे अपना इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर दिया है 313 और उसके नीचे सेंटर नंबर दे, ये सेंटर नंबर दे रखा है 271। एंड चिल्ड्रन यू नीड टू लर्न दिस, ये चीज़ें याद रहें तुम्हें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देते समय ये बातें बोली थी, ये आपको पता रहेगा, आप बता सकेंगे। इस समय इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। साइलेंस, 9:20 बिल्कुल शांति हो रही है। मैं क्लियर I am now going to events. Is not going to stay there, is he? I don't know about that. Mr. Jackson gave me 6 instructions to event. How am I supposed to concentrate on my exam with someone breathing down my neck? Oh Christ! Sorry, sir, I didn't mean. McLeary कुछ बोलता है। इवान कुछ बोल रहा है, मक्लीर कहता है मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। स्टीफन कहता है कि जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि हिले नहीं इधर से। और इवान कहता है तू क्या समझता है मैं इम्तिहान लिख पाऊँगा, तू बैंडी सी शक्ल का मेरे सिर के ऊपर खड़ा है, क्या मैं ऐसे इम्तिहान लिख पाऊँगा, ओ मेरे भगवान बचाना। गवर्नर रीच फॉर द फोन, तभी घंटी बजती है, गवर्नर फ़ोन पर जाते हैं। जैक्सन आ गुड गेट स्टीफन आउट ऑफ द सेल विल यू, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स। गवर्नर बुलाता है जैक्सन, ओ इधर आ जैक्सन, मुझको लग रहा है यार हम कुछ ज़्यादा ही सख्ती से नहीं पेश कर रहे, हम कुछ ज़्यादा ही सख्ती से पेश आ रहे हैं। स्टीफन को बाहर निकाल ले, उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो बिल्कुल सिर के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ तैनात होकर, ठीक है उसको बाहर निकाल लो एज यू विश। ठीक है सर, जैसा आप कहते निकाल लेते। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, गवर्नर ने सारी बातचीत सुनी जो अंदर हो रही थी सेल के। हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, एक बार दरवाज़ा धड़ाम से आवाज़ भी सुनी। एंड ही हर्ड मैक्लीरे अनाउंस That the examination had begun at last. और मैक्लीरे को भी ये सुन लिया था, उसने कहा अब बस योर टाइम बिगेंस
नाउ आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग टाइम अब शुरू होता है 9:25 एंड देन देयर ए वाज अ ग्रेट काम। बस 9:25 हुए एकदम शांति हो गई। एट 9:40 द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू। 9:40 पर इम्तिहान के दफ्तर से फ़ोन आया गवर्नर को एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर। 9:40 पे जो एग्ज़ाम दफ्तर से बोर्ड से फ़ोन आया है वो फ़ोन कहता है कि मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी मॉडर्न लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और गवर्नर जेलर साहब से मिलना चाहता हूँ, उनसे बात कराइए। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट A quarter an hour ago. Yeah. Well, there was a correction slave with some fool had forgotten to place in the examination packet. Very brief. Could the governor please? वो आवाज़ जो थी वो कह रही थी असिस्टेंट सेक्रेटरी जी कि मैं गवर्नर से बात करना चाहता हूँ। वो ऐसा हुआ दफ्तरों से ही पैकेट के अंदर एक स्लिप कागज़ की डालना भूल गए और वो करेक्शन की स्लिप है। पेपर में कुछ करेक्शंस करानी हैं, मिस प्रिंट हैं वो ठीक कराना है, कुछ उस स्लिप को डालना भूल गए थे, बस उस बारे में बात करनी है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुमको डायरेक्ट जैक्सन से डी विंग पे बात कराता हूँ, वो इंटरकॉम पे डायरेक्ट ही बात कराता है उसकी। यस ऑफ कोर्स आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग। होल्ड द लाइन अ मिनट, जरा रुको, होल्ड करो लाइन, मैं अभी आपको जैक्सन से बात करा देता हूँ डी विंग में स्ट्रेट अवे। Was this the sort of thing the governor had feared? ऐसी कोई बात थी जिसे डरा हुआ था गवर्नर जेलर? Was the phone call a fake? हो भी सकता है डरा हुआ हो, कहीं ये फ़ोन जो आया ये फेक कॉल तो नहीं था, कोई सिग्नल था जैसे सम सीक्रेट मैसेज, कोई मैसेज है जैसे किसी के लिए। बड़ी कुछ चेक होनी हुई थी, अरे कोई बात नहीं अभी चेक करता हूँ। ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, तुरंत उसने जहाँ से फ़ोन आया था उसी नंबर पर डायल किया 0111 करके। बट हर्ड ओनली द स्टैकाटो ब्लीप्स ऑफ अ लाइन एंगेज, टॉट टॉट टॉट, इसको कहते हैं स्टैकाटो ब्लीप, ये ब्लीप्स आ रही थी मतलब लाइन अंगेज आ रही थी। बट देन द लाइन वॉज अंगेज वॉजंट इट, यस दो बार किया लाइन अंगेज आई, अरे ये तो कोई इंटेलिजेंट बात नहीं हुई। 2 मिनट्स लेटर ही हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन इन द सेल, और उसी 2 मिनट के बाद उसने जब रिकॉर्डर खोल कर सुना तो वहाँ पर भी कुछ सुनाई दिया। एंड देन मैक्लीरे ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस, विल प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल मिस्टर इवांस लिसन केयरफुली। तो इनविजिलेटर क्या कह रहा है, मिस्टर इवांस जरा ध्यान से सुनो और मिनट के लिए रुक जाओ, लिखो मत। Candidates offering German 021 code 1 should note down the following correction. जो कैंडिडेट 0211 कोड ले रखा है जर्मन का उसकी कोई करेक्शन है थोड़ा सा ठीक कर लें। On page 3, line 15, the fourth word should read Goldenen, not Goldeni. ये जो शब्द है ये
मिसटाइप्ड है। चौथा वर्ड पढ़ा जाना चाहिए गोल्डनर, गोल्डन नहीं। एंड हुज फ्रेज दिल दे फॉर रीड जम गोल्डमैन एंड लवन नॉट जम गोल्डन ए लवन। आई विल रिपीट दैट, दोबारा रिपीट करता है वो जो भी भाषा लिखी है उसका फ्रेज रिपीट करके बताता। द गवर्नर लिसेंड एंड स्माइल, जेलर खड़ा हुआ हंसता है, सुनता है सारी बात। क्यों? क्योंकि उसने भी छवीं क्लास में जब छोटा होता था जर्मन भाषा ली थी, पर पढ़ी पुढ़ी नहीं, शैतान थे। ही हैड टेकन जर्मन इन द सिक्स्थ फॉर्म हिमसेल्फ एंड ही रिमेम्बर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव। उसको याद आ रहा है सिक्स सेवन्थ में क्या क्या पढ़ा था उसने, एडजेक्टिव पढ़े थे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ी थी, एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें उसने पढ़ी हुई थी। एंड सो डिड मैक्लीरे बाय साउंड ऑफ थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव। और मैक्लीरे के भी बातचीत से पता चल रहा है उसके प्रोनाउंसिएशन से बड़ा इम्प्रेसिव। बट वॉट अबाउट इवन, लेकिन आवाज का क्या हुआ, वो तो अनपढ़ है, चोर है। ही प्रॉबली डिंट नो वॉट एन एडजेक्टिव वॉज। शायद इवान को पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है भाई, क्योंकि वो पढ़ने लिखने नहीं गया। इतनी देर में फ़ोन की घंटी बजती है और जैसे ही फ़ोन उठाता है दुबक के खड़ा हो जाता है जेलर, क्योंकि मजिस्ट्रेट के कोर्ट से फ़ोन आया है। द फोन रैंग अगेन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर, रिमांड केस। एंड विद इन टू मिनट्स द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ होक्स, ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू रन राइट। उसकी सोच अब बेकार होती जा रही है, सोचने लगा ये भी हो सकता है कि फेक हो सब कुछ। ये फोन आया मजिस्ट्रेट साहब की आवाज़ में था बिल्कुल, हेलो मैं मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ, अभी तुरंत एक वैन चाहिए, हथकड़ी चाहिए और दो पुलिस वाले का प्रिजन ऑफिसर चाहिए, रिमांड का केस है, बकवाना है बंदे से, जल्दी भेजो एमरजेंसी। अब जैसे ये फ़ोन आया उसके तो हाथ पांव फूल गए। अरे जेलर ने अभी अभी तो सारी वैन, कोई कपूरथला चौक, कोई कहीं चौक, कोई निकोदर चौक, कोई हैं हीरा गेट, सब जगह अपना तैनात कर दी थी, प्रिजन ऑफिसर पुलिस अफसर सारे अपना सवेरे सवेरे उसने ड्यूटी पे भेज दिए थे। अब उसके हाथ पांव फूलने लगे कि अब क्या करेगा, पुलिस वाले हैं भी नहीं, जेल में भी ड्यूटी देने के लिए कमी है। फिर सोचने लगा हो ना हो कहीं यार ये भी कोई होक्स होगा, फेक कॉल ही होगी, इम्पर्सनेटिंग कॉल कहते हैं, इम्पर्सनेटिंग में बंदे की कोई आवाज़ बना के बोला हुआ। फिर अपने आप को कहने लगा यार मेरी ये इमेजिनेशन, ये कल्पना की शक्ति को क्या होते जा रहा है मेरी। इवेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफेंस हैड ड्यूटीफुली पियर्ड थ्रू द पीप होल एट इंटरवल ऑफ 1 मिनट और सो, और उधर 15 मिनट स्टीफेंस लगातार उस बिल्डिंग के आओ जाओ चारों ओर चक्कर लगा रहा था और पीप होल हटा हटा के अंदर देख भी रहा था हर एक मिनट बाद। एंड आफ्टर एवरी 2 मिनट्स एट 10:45 AM एवरीथिंग वाज स्टिल, 10:45 वेल गोल सब ठीक ठाक चल रहा था, ऑल राइट था। एज ही लुक थ्रू द पीप होल वंस मोर, जब उसने आखिरी बार उस पीप होल को खोल कर देखा था, 5 सेकेंड लगे ज़्यादा नहीं, इट टुक 4 or 5 seconds नो मोर। वॉट वॉज द पॉइंट, इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम।
Evans his pen between his lips, sat staring right in front of him towards the door, seeking, it seems, some sorely needed inspiration from somewhere. भाई आखिरी 15 मिनट में यही देखा गया कि वो दरवाजे की तरफ मुंह में हाथ वो पेन ले के मुंह में डाल के घूरे जा रहा डोर की तरफ, जैसे कि मान लो डोर उसको इवान को कोई इंस्पिरेशन दे रहा हो, कोई प्रेरणा दे रहा हो, आता जाता उसे कुछ है नहीं और मुंह में पेन फंसाए वो इस तरह, ये पॉस्चर है और देख रहा है अब डोर की तरफ। एंड ऑपोजिट हिम मैक्लीरे, और बिल्कुल ऑपोजिट चेयर में मैक्लीरे साहब बैठे, सीटेड स्लाइटली एस्क्यू, थोड़ा सा उचक्कर बैठे हुए हैं, उचक्कर में ऊपर को होके बैठे हैं, आपको समझ लग गई क्यों बैठे हैं। फ्रॉम द टेबल नाउ इन फेस इन सोमी प्रोफाइल हिज हेयर एज स्टीफन हैड नोटिस अर्लियर अमेट्योरिसली क्लिप्ड pretty close to the scalp, बड़े ढंग से भैया साज सजा के जैसे बालों को क्लिप लगाया जाता है, उसने बड़े अच्छे पिनअप कर रखे थे। The church time, his right index finger, church time में उसकी छोटी उंगली दिख रही थी, right index finger नीचे, collar नज़र आ रहा, अखबार सामने फैला हुआ था और उसकी left finger अखबार के नीचे, और उसके बहुत ध्यान से नाखून तो एन साफ ऐसे हो रखा था, मैनीक्योर हो रखा था, नाखून बिल्कुल साफ सुथरे कटे हुए थे। तो ये हुलिया दिखाया उसका बैठे हुए का, समझ आई? तो जस्ट मार्क इट टिल हियर, ब्लैक बियर्ड, ठीक है, आपको यहाँ तक आज मैंने समझा दिया। वी हैव डन टिल पेज 79 टुडे, दिस मच वी हैव डन। सो आई टोल्ड यू इट इज़ अ लॉन्ग प्ले, इट विल टेक सम टाइम। सो ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, रीड दिस मच, लिसन टू इट 2 times, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।